नेपाल प्लेन क्रैश, अब तक 16 शव निकाले जा चुके हैं। जिस बात से डर था, जिस बात की अंदेशा सभी लोग कर रहे थे कि जिस तरह से हमने ये तस्वीरें देखी, इसके भयावहता को देखिए, ये डरावनी तस्वीर देखिए, उसके बाद से ये अब देखिए अपडेट इसमें आने लगा कि 16 लोग कम से कम तो मारे गए हैं, क्योंकि उनके शव निकाले जा चुके हैं। हादसे के वक्त प्लेन में 68 मुसाफिर सवार थे, 4 क्रू मेंबर सवार थे, यानी कि 72 लोग कुल सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची नेपाल की सेना, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप उन्हीं को बचा सकते हैं जो अब सर्वाइव कर सकते हैं, जो पूरी तरह से जो काल के गाल में समा गए, आप पहुंचकर भी उनकी जिंदगी नहीं बचा सकते। लेकिन उन पर, अपनों पर क्या बीत रही होगी, जिनको जानकारी मिली होगी कि उनके अपने लोग जो कि यति एयरलाइंस में सवार थे, काठमांडू से वो जा रहे थे पोखरा तक, उनको बिल्कुल आभास नहीं होगा कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, खतरा कितना बड़ा। बस अभी प्रार्थना कर रहे होंगे कि उनके अपने लोग सुरक्षित हों। लेकिन 16 लोगों के शव, डेड बॉडी निकाले जा चुके हैं, ये इस वक्त की खबर है, और ये आंकड़े अभी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो तस्वीरें अभी विचलित करने वाली आ रही हैं, जो डरावनी तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं आसमान में काले धुएं का गुब्बार, कई किलोमीटर दूर से ही ये देखा जा सकता है, और जो प्लेन है ये आग के शोलों में तब्दील, और नीचे खाई है, गहरे खाई में ये जाकर गिरी है। शायद अगर नदी में पानी होता और नदी में अगर गिरता तो शायद कुछ संभावना होती कि कुछ लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा बच सकते थे, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जब जोरदार विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, वो वहां पर आसपास पहुंचे, थोड़ी देर के बाद उनको उन्होंने देखा कि आसमान से कोई प्लेन क्रैश हुआ है, नीचे गिर गया है, वो भागकर लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश में है, कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन क्या वो सही सलामत है या नहीं, ये बड़ी बात है। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लगातार। फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है किसी भी ऑपरेशन के लिए, सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ना ही तो कोई भी फ्लाइट लैंड करेगी, ना ही टेक ऑफ। खराब मौसम भी है, लेकिन ये जांच की बात होगी कि आखिर किस वजह से 72 लोग उनको खतरे में डाला गया, सिर्फ मौसम ही जिम्मेदार है या फिर मानवीय भूल है, पायलट एरर है, किस तरह से इसको परमिशन दिया गया, जिस तरह से एविएशन एक्सपर्ट बता रहे थे गोयल साहब। लेकिन फिलहाल तो सच्चाई ये है कि पोखरा में प्लेन क्रैश हो गया है, नेपाल में, नेपाली एयरलाइंस का ही विमान है, यति एयरलाइंस इसका नाम है, 72 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 68 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर्स। अब उनमें से कितने बचे, फिलहाल अपडेट यह है कि 16 शव, डेड बॉडीज निकाली जा चुके हैं, और संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि इसकी भयावहता बहुत ज्यादा है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नेपाल प्लेन क्रैश मामले में, और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुकी है, सेना को भी इस अभियान में लगा दिया गया है, सेना को बुला लिया गया है, क्योंकि आपातकाल सिचुएशन है, निश्चित तौर पर प्लेन क्रैश हुआ है, ये जिंदगी की जद्दोजहद का मामला है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, इसलिए सेना को कॉल किया गया है, सेना पहुंच चुकी है। सुबह 11:10 पर यह क्रैश हुआ विमान, यति एयरलाइंस का विमान, 68 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर्स, यानी कि कुल संख्या 72 जो लोग प्लेन में सवार थे। सेती नदी की खाई में गिरा ये प्लेन, पोखरा घाटी में, वो आप देख सकते हैं पूरा घाटी है, पूरा पहाड़ी इलाका है, और नदी भी बिल्कुल पास में और खाई भी बिल्कुल, खाई में ही ये प्लेन जाकर क्रैश हुआ, नीचे गिरा। विमान का जो अगला हिस्सा है सिर्फ वही हमें नजर आ रहा है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और बाकी का जो पूरा हिस्सा है वो आग के गोलों में तब्दील हो गया, क्योंकि इसमें फ्यूल होता है ATF और ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए जाहिर सी बात है प्लेन क्रैश होने के बाद जोरदार धमाका होता है, और जो ज्वलनशील पदार्थ की वजह से ये प्लेन आग के गोलों में तब्दील हो गया।